हेलो टू यू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडियो एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज अपनी नई कक्षा स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की। ये दोस्तों चैप्टर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आपके जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएसआई में आने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम दें आप चाहे, या कोई सा भी एग्ज़ाम आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सब में ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। इसमें हम चीज़ों को समझते हैं कि किस तरह से आप संख्या नंबर जो होते हैं ना उनसे खेलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। पहले तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट जो आपके जो वीडियोज़ होंगे, जो कि आपकी पढ़ाई के होंगे, जो हर गाँव में हर बच्चे तक पहुँच सके और उसे अच्छे से समझ सके, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम बनाते हैं और अच्छे समझाते हैं। इनफैक्ट हम अपनी क्लासेस भी हिंदी मीडियम में रखे हुए हैं कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि अगर आपको कोई डाउट भी आता है, कोई चीज़ें भी आती हैं, तो आप खुल के हमें बताते हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम भी मतलब आनंद मिलता है। देखो दोस्तों, आप लोग मेहनत कर रहे हो, हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, और आप लोगों को जब फल मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है, बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उसी का ध्यान रखते हुए चीज़ें करते हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास में हम थोड़ा संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्या होती कैसी है, क्या क्या होता है, क्योंकि उन सब का इस्तेमाल आगे होगा, उन्हीं सब संख्याओं से हम चीजें खेलेंगे। तो आज पहले मैं उनका मतलब बताता हूं किस तरह से उनको बांट सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगा कि उसको कहते क्या है, क्यों है, कैसे है। अगर हिंदी में मैं थोड़ा फंस जाऊं तो भी मैं मतलब लिख के लाया हूँ किसकी हिंदी क्या होती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ तो मुझे चीज़ें उसमें आती है, पर आप लोगों के लिए मैंने वो भी सीख ली है। कोई समाधान, कोई समस्या हो तो हम उसका निवारण करेंगे। ठीक है, हिंदी अच्छी है ना, तो अच्छे से हम कर लेंगे। चलिए समझते हैं हम अपने उसको। हमारा दोस्तों क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, ये है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको दोस्तों नंबर सिस्टम। ठीक है, ये क्लियर है। लेट मी चेक कि ये बिल्कुल साफ आ रहा है। हाँ बिल्कुल साफ है, बस थोड़ा ये हट गया, साइड में हो गया, तो वो चीज़ें हैं। तो आवाज़ किसकी हुई, बिल्कुल अपनी रिकॉर्डिंग तो सही चल रही है। देखो कभी कभी ना घबरा जाते हैं कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, संख्या पद्धति हम करते हैं, इधर से शुरू करेंगे, ये बीच में आ गया, थोड़ा पता लग रहा है कोई। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों संख्याओं से। संख्याएं होती कितनी तरीके की हैं, संख्या। ठीक है, संख्या आपका, अच्छा जैसा हमने ये किया था नंबर है ना, ये नंबर होते कितने तरीके के हैं पहले ये समझते हैं। देखो दोस्तों, दो तरह की संख्याएँ होती हैं। एक तो क्या होता है आपका वास्तविक, जिसको कहते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, एक संख्या होती है हमारी वास्तविक, वास्तविक जिसको आप इंग्लिश में कहते हो रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। नंबर लिख रहा हूं मैं, वास्तविक संख्या। और दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या, है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है आपका, इंग्लिश में बोला जाता है इसको दोस्तों इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं रियल नंबर क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या जिसको हम समझते हैं और आप लोग उसको देख सकते हैं, जैसे क्या है आपका कोई भी संख्या हो, सारी की सारी संख्या जो तुम सोच सकते हो वो आपकी वास्तविक। जैसे क्या है आपका -5 हो गया, 243 हो गया, 3/4 भी हो गया, ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, ये सब आपका रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में आता है, क्योंकि ये वास्तव में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो काल्पनिक संख्या क्या होगी, काल्पनिक संख्या समझने के लिए आप यूं समझिए। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का अगर हम वर्ग करें, स्क्वायर लें, तो वो पॉजिटिव बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा अगर 2 है, ठीक है, 2 है, 2 का मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू 2 ये करूंगा ना, क्या हुआ, 2 गुना हुआ मेरा 2 से,
चार बना, ठीक है। अब अगर मैं, अगर ये दो की जगह माइनस टू का स्क्वायर भी होता तो क्या मेरा दो गुना में माइनस दो, तो माइनस माइनस कितना हो जाता मेरा दोस्तों, चार हो जाता। तो ये चीज हम जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर वर्ग किया जाए तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर बनता है, जिसको हम धनात्मक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, लेकिन हमने तो जाना कि असलियत में ये होता है, लेकिन कभी आपको बोले, कभी आपको वो बोले कि कोई संख्या है मान लो x और उसका अब वर्ग करो और वर्ग करने से आ जाए माइनस वन, वर्ग करने से माइनस वन आता है क्या, नहीं आता ना। लेकिन कोई बोले कि कोई संख्या है x, आपने उसका किया वर्ग और वर्ग करने से आ गया आपका माइनस वन, ऐसा होता है? आपने जो नंबर सिस्टम अभी तक पढ़ा है, देखिए जो नंबर है ना इमेजिनरी नंबर, ये असलियत में हम लोग जो है 11, 12 क्लास की अगर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना, आपका क्या होता है कि जो इंजीनियरिंग होता है उसमें भी बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। तो आपका एक्स क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ठीक है। इसी अंडर रूट ऑफ माइनस को वन को हम लिख देते हैं आयोटा, ठीक है, आयोटा, ठीक है, इसको कहते हैं आयोटा। तो अगर आपको कोई भी संख्या लिखनी हो, जैसे कि आपको लिखना हो माइनस पांच का अंडर रूट, ठीक है, तो माइनस इसको क्या लिखोगे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू में पांच। अब माइनस वन का क्या मतलब होता है, आयोटा, ठीक है। अब ये तो इसको लिखते हैं दोस्तों आयोटा रूट पांच, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब अगर आपने रियल नंबर और मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला के लिखा, कैसे, मान लीजिए ये 2 प्लस आयोटा आ जाता है हमारे काल्पनिक में, जहां आयोटा आया से ना समझ जाना कि ये तो काल्पनिक संख्या है भाई और आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में होता नहीं, तो फिर भी आपको समझाने के लिए, जैसे 2 क्या हुआ मेरा वास्तविक संख्या, आयोटा क्या हुआ काल्पनिक संख्या, तो मैं इसको लिख दूं आयोटा 3, है ना, या 3 आयोटा। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, जहां मेरा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिला के लिखा जाए, जोड़ के घटा के कुछ भी करके, तो जोड़े या घटा के, तो इसको कहा जाएगा दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, समझ गए। तो आयोटा होगा, ये होगा इसकी, लेकिन हमें जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, हमारी काल्पनिक रियल नंबर पे आ जाते हैं, हमें काम उसी से है। अब इसको हटाते हैं साइड, ठीक है, बस मैं बताना था, एक इमेजिनरी होता है और एक रियल होता है, वास्तविक होता है। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा रियल नंबर है, जैसे तुम आपने देखा कि माइनस पाँच भी है, 243 भी है, 3/4 भी है, 0 भी है, तो आप लोग क्या करोगे, ये भी दो तरह से बांटा जा सकता है, ठीक है, इसको भी दो तरह से बांटा जा सकता है। पहला क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब आपका इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर, और दूसरा क्या है दोस्तों, आपका दशमलव, दशमलव इसको बोलेंगे हम लोग डेसिमल, ठीक है। तो अब जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हैं कि पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा होना चाहिए भाई, पॉइंट वॉइंट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर क्या क्या हो सकता है आपका, देखो चार हो गया, तीन हो गया, दो, एक, कुछ भी हो जो पूरा हो, पूर्णांक से पता लग रहा भाई, ठीक है। तो आपका ये माइनस वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, उसको देख सकते हैं हम, घनात्मक है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब दशमलव क्या, जहां भी दोस्तों आपका पॉइंट आए, ठीक है, जैसे 5/10 है, इसको लिखोगे 0.5, तो ये कौन सा नंबर हो गया दोस्तों, हमारा दशमलव, है ना, ये नंबर हो गया हमारा दशमलव, 2.03 एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, इसके एग्जांपल है ना 2.03, 5.52 या फिर 0.5 या फिर 0.79, कुछ भी ले लो यार, 5000 point something कुछ कर दो, ठीक है, ये हो गया दशमलव। अब दशमलव भी दोस्तों आपका दो तरह का होता है, ठीक है, दशमलव भी हम लोग बांट सकते हैं, मैं इसको भी बांटूंगा लेकिन इसको अलग से बांटूंगा, है ना। पूर्णांक क्या है कि अलग से मैं अलग से लिखूंगा, और कितने तरीके के होंगे
वो भी आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। चले, दशमलव क्या होता है दोस्तों? आपका एक होता है शांत दशमलव, शांत मतलब स वाला होता है शायद, शांत। एक होता है हमारा शांत, शांत दशमलव, और एक होता है हमारा अशांत, शांत दशमलव। ठीक है, दशमलव एक होता है हमारा शांत दशमलव और एक होता है हमारा अशांत दशमलव। शांत दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो दशमलव जो रुक जाए, है ना, अटक जाए, बस खत्म हो जाए। जैसे आपने किसी चीज को लिखा 2.03, बस इतना ही है, 0.05 इतना ही है, ये आगे तक चलता ना रहे। ठीक है, ये आगे तक आपका चलता ना रहे। अशांत दशमलव क्या होगा दोस्तों? आपका नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि एक जगह खत्म ना हो। जैसे आपका, जैसे हम बार वाला सवाल करते हैं ना कि आपका मान लो 0.05 बार, बार का मतलब क्या है? चले जा रहा है। बार का मतलब क्या होता है? यही आपका 5 5 5 5 कितना लिखते चले जाओ, कोई अंत नहीं, है ना, वो होता है आपका ये। अब शांत दशमलव, अशांत दशमलव भी आपका दोस्तों दो प्रकार का होता है। मैं देख लूँ नीचे तक पहुँच पा रहे हो कि नहीं, है ना, कहीं कट जाए तो फालतू में दिक्कत ना आए, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका अशांत दशमलव होता है, थोड़ा सा कट रहा है, अशांत अनावर्ती, रुक जाओ शब्द का पकड़ लूँ मैं, अशांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव। देखो नामकरण है बस, दशमलव नाम पे मत जाना, काम पे जाना। ठीक है, अशांत दशमलव दशमलव जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इंग्लिश में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, मैं समझ रहा हूं नीचे गया तो कट जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अशांत अनावर्ती, अशांत शांत अनावर्ती दशमलव, शमलव। ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है मेरा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ना टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब एग्जांपल देके बताता हूं आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, जैसे 0.5 अभी दिखाया ना आपको, 5 5 5, या फिर कोई और संख्या ले लो 0.23123123131, सेम चीज जा रही है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा, लेकिन रिपीट करेगा अपने आप को, सेम चीज बार बार वो आता रहेगा। ठीक है, इसे कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। अब अशांत अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती क्या होगा दोस्तों? जो कि आपका रुके ना और अपने आप को रिपीट भी ना करे, जैसे कुछ भी ले लो आप, 3.02578342653, चले जा रहे ना, कुछ अपने आप को कहीं ऐसा दिख रहा है कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, नहीं हो रही ना, सेम चीज कहीं आया आपका, चलते चले जा रहा है आपका। अक्सर ये जो होता है आपका दोस्तों घास, मतलब जो रूट वाली चीजें होती है, जैसे √2 √3 √7, उनकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो जाके आपका ऐसा आता है, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा, चलता चले जाएगा, चलता चले जाएगा, चलता चला जाएगा, मीरो चलती मुस्कान। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको, अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल इस चार्ट को बना लीजिए, फिर मैं आपको पूर्णांक एक अलग से लिख के बताता हूँ। ये देखो, ये तो दशमलव था तो मैंने ऐसे ऐसे बना के रख दिया, अब मुझे पूर्णांक बनाना है, तो पूर्णांक को यहाँ अलग से बना के समझाऊंगा कितने तरीके होते हैं। भाई वो सारे पूर्णांक मुझे बताने भी तो है,
ऐसे थोड़ी हवा हवा ही आधे में छोड़ के चला जाऊंगा, ना बाबा ना, पूरा समझाना है अच्छे से ताकि आप लोग कभी फंसे ना। कहते ना कभी पूर्ण पूर्णांक मतलब होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, तो ये सब बताना तो पड़ेगा ना यार, बताऊंगा तभी तो अच्छे से समझोगे। तो वो सब चीज़ें आपको पूरा समझाऊंगा मैं, बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो ये लो, अभी तक आपने नोट कर लिया होगा, अब आते हैं आगे। तो हाँ है ना, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि भाई चीज हटेगी तभी तो आएगी नई चीज। चल, उम्मीद करता हूँ ये कटे ना हो, क्योंकि कटा तो दिक्कत आएगी। कोई नहीं, अगर कट भी ना हो तो आप मेरे शब्दों पे जाइए, मैं चीज़ें तो बोल ही रहा हूँ, है ना। संख्या पद्धति यहाँ से मिटा देता हूँ, पूर्णांक क्योंकि लिखना है। चल, अब आता हूँ आपका पूर्णांक पे। पूर्णांक पे आते हैं दोस्तों, इसका मतलब इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब इंटीजर। रुक जाओ मैं थोड़ा पंखा चला दूँ। इसका मतलब होता है इंटीजर, हालांकि सर्दियाँ थोड़ी आगमन हो चुका है वो है, लेकिन फिर भी गर्मी लगने लग जाती तो चला देता हूँ मैं। चलो, पूर्णांक देखते हैं कितने तरीके के होंगे। देखो बहुत सारे मतलब पूर्णांक बनेंगे आपके, सबको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम, रुक जाओ ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम प्राकृत संख्या, इसका मतलब है मेरा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर समझो दोस्तों, ये होता क्या है, समझिए, आपको कोई भी चीज जो प्रकृति में एकदम दिखती है पूर्णतः, वो नेचुरल होती, जो प्रकृति हो, प्राकृतिक मतलब प्रकृति में दिखे। तो आप लोगों को प्रकृति में कभी देखता है माइनस वन, अरे माइनस वन नाम की कोई चीज नहीं होती, जो चीज होती है वो होती है, वो तो हमने माइनस बनाया है चीजों को हिसाब किताब को देखने के लिए, कि हमने अगर किसी से उधार लिया तो नेगेटिव में दिखाने लग जाएंगे, कोई चीज इतनी थी घट गई पूरी तो नेगेटिव में दिखाने लग जाएंगे, लेकिन असलियत में ये सब चीजें होती नहीं, प्रकृति में नहीं दिखती। जैसे प्रकृति में ना जीरो नाम का कोई चीज नहीं होता, है ना, जीरो नाम का कोई चीज नहीं होता। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, तो मैं क्या बोलूं, अरे यार देखो जीरो हाथी आ रहा है, अरे जीरो शेर मुझ पर कूद रहा है, अबे जीरो शेर का मतलब है ही नहीं वो, तो कूद क्या रहा है, है ना, जीरो हाथी आ रहा है, जीरो शेर आ रहा है, ये वो तो जीरो नाम। ये देखो जीरो बरगद का पेड़ है, मैं जीरो बरगद के पेड़ पे चढ़ रहा हूं, कुछ हुआ नहीं ना, प्रकृति में है क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आएगा। तो कहां से संख्याएं शुरू होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होंगी एक से, एक से कहां, आगे चलते रहो, एक दो तीन चार पांच, और ये पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरा होना चाहिए, ठीक है, कब तक, अरे कहीं तक चलते रहो, 5 लाख 5 करोड़ 5000 करोड़ कुछ भी चलते रहो, सब पूर्णांक है, सॉरी सबकी सब प्राकृतिक संख्या, पर जीरो पे बच जाना है ना, शून्य जो है उसमें इसको नहीं लेते हैं, वो है ही नहीं, कुछ दिखता नहीं। मैंने समझाया ना क्यों, अरे होता ही नहीं तो क्यों लोगे, ठीक। चलिए अब अगला जो है आपका, उसे कहते हैं हम लोग होल नंबर, मतलब आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, हिंदी में इंग्लिश में होल नंबर, है ना। ये कहां से शुरू होता है दोस्तों, देखो होता नेचुरल नंबर में, अगर आप जीरो से शुरुआत कर दो तो वही आपका होल नंबर होता है, ठीक है, दो तीन कहां तक चलता रहेगा, अरे कहीं तक चलाते रहो, मीरो चलती मुस्कान तो क्या ये जीरो से शुरू होगा, है ना, 1 2 3 आगे चलता रहेगा कहां से, पूर्ण संख्या में। अगर होल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं होता, जहां पे भी आपने शून्य जोड़ा तो वो आपका पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, हाँ दो और होती हैं, कौन सी, एक होती है दोस्तों सम संख्याएं और दूसरी होती हैं दोस्तों हमारी विषम संख्याएं। अब ये श वो वाला होता है, सम होता है, ये थोड़ा देख लेना, है ना, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या मतलब दोस्तों वो नंबर जो तो दो से भाग हो जाए,
उसे सम संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इवन, और इसे बोलते हैं ऑड, ऑड नंबर। कोई भी नंबर जो दो से भाग हो जाए तो वो आपका सम संख्या होती है। कहाँ से शुरू करेंगे हम? अरे भाई दो से शुरू करो, दो चार आठ छः, अरे हे छः पहले आना चाहिए था, आठ बाद में, है ना। दो चार छः आठ दस बारह चौदह, कुछ भी करते रहो, सबके सब क्या है, अगर आपका वो दो से भाग हो सकती हैं तो वो हमारा इवन नंबर है। कुछ लोग बोलेंगे जीरो सर क्या है, जीरो देखो ना इवन होता है ना ऑड होता है, उसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाता। तो दो चार छः आठ दस बारह चौदह चलते चले जाइए, ठीक है। कितना भी जो भी संख्या आपकी दो से भाग हो जाए वो हमारी सम संख्या है। तो विषम क्या होंगे? जो भी संख्या आपकी दो से भाग नहीं हो सकती वो आपकी विषम संख्या है, ऑड नंबर है। जैसे आपकी शुरुआत होगी एक से, तीन जाएगा, पाँच सात नौ, देखो दो से भाग करके देखो होगा क्या, इनको देखो भाग करके देखो, ये हो जाते हैं, ये नहीं होते। तो जो हो जाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, जो ऑड संख्या की बात कर रहे हम, विषम संख्या है, तो वो आपका एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह कुछ भी चलते रहो पूरा का पूरा, है ना। तो ये आपका अच्छे से क्लियर है। अब आपका आता हूं मैं अभाज्य संख्या पर, अभाज्य, अभाज्य संख्या, इसका मतलब समझाता हूं। अभाज्य संख्या दोस्तों मतलब इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। हालांकि हमने खूब सारी चीजें की हैं लेकिन इसको भी समझते हैं कि ये हमारा प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है वो आखिर है क्या। देखो वो संख्या दोस्तों जो कि, वो संख्या जो या तो खुद से भाग हो पाए या एक से भाग हो पाए, उसके सिवा कोई भी संख्या कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता, वही होता है हमारा प्राइम नंबर। देखो नाम से ना प्राइम, प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मतलब वो मिनिस्टर जो सबसे ऊपर है। तो प्राइम नंबर क्या, वो नंबर सबसे अलग है। अलग कैसे भाई, उसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, या तो वो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है या फिर वन ही उसे डिवाइड कर सकता है। और कई बार ना साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं कौन सी प्राइम नंबर सबसे बड़ी है, तो ऐसा चलता रहता है कि अभी तक जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर मिला वो ये मिला, है ना। आगे चल के ढूंढते रहते हैं हमेशा, देखो मैथमेटिक्स को भी सर्च करना है गूगल पे कि अभी तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो मिल जाएगा। फिर वो आगे चल के उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ देता है, कोई नई प्राइम नंबर मिल जाती। एक मिनट रुकना दोस्तों, आवाज़ आ रही है बीप की, वो डरा दे रही है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई नहीं हम ध्यान देंगे। तो आगे चल के हम देखेंगे कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है, क्या है क्यों है कैसे वो चीज़ें। अच्छा सॉरी, तो वो संख्या जो खुद से और अपने आप से खुद से भाग हो सके या फिर केवल एक भाग कर सके। अब सबसे छोटी दोस्तों प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है दोस्तों हमारा दो, ठीक है। और एक बात और समझ लो, दो आपको लगेगा कि ये तो इवन है सर, दो से भाग हो सकता है, अरे तो दो खुद से और एक से जा रहा है। एक और बात समझने की ये है कि दो सिर्फ इकलौता एक ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, जो कि प्राइम नंबर है। दो इकलौता एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद क्या होगा, कौन सा संख्या खुद से या किसी एक से भाग जाएगा, दो के बाद दोस्तों होता है तीन, तीन के बाद होता है मेरा पाँच, पाँच के बाद सात, सात के बाद नौ लिखोगे, नौ लिखोगे नहीं, नौ तीन से भाग हो जाता है तो नौ नहीं लिखेंगे। फिर दोस्तों आता है दस, तो है नहीं ग्यारह, क्यों तीन के बाद चार क्यों नहीं, चार दो से भाग हो जाता है ना, छः क्यों नहीं, अरे छः तो दो से ही भाग हो जाता है, तीन से ही भाग हो जाता है। पर सात खुद से भाग होता है, पाँच खुद से भाग होता है, है ना, तीन खुद से भाग होता है, इन सबको कोई और संख्या भाग नहीं कर पाती सिवाय एक के या खुद के, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभाज्य संख्या के बाद आपको दोस्तों, अभाज्य संख्या हो गई तो अब दूसरा बताना पड़ेगा, कौन सी, संयुक्त संख्या है, संयुक्त, संयुक्त होता है, संयुक्त होता है, संयुक्ति होता है दोस्तों, संयुक्त संख्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है।
इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब संयुक्त संख्याएं कौन सी है? वो संख्याएं जो प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं नहीं है, वो है आपकी कंपोजिट संख्या। जैसे कौन सी हो गई? एक मत बोलना, ठीक है? एक क्यों नहीं दोस्तों? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जो है ना, एक वो ना ही आपकी अभाज्य संख्या होती है ना ही कंपोजिट संख्या होता है, उसको अलग ही कैटेगरी में रखाता है। एक वन जो है आपका ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ना अभाज्य संख्या होती है ना संयुक्त संख्या होती है। तो आपकी ये संख्या शुरू होगी दोस्तों आपकी चार से। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई? चार, ठीक है? देख लो, सबसे छोटी संयुक्त संख्या हुई हमारी चार, और आपका चार के बाद छः, छः के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद ग्यारह। नहीं, ग्यारह तो अभाज्य संख्या है, ये तो हमें वो निकालना है। बारह, ठीक है, तेरह भी अभाज्य संख्या। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, निकलते चला जाएगा, ठीक है? मैं आप लोगों को प्राइम नंबर निकालने का तरीका बताऊंगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर है नहीं है, वो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब संयुक्त संख्या समझने के बाद दोस्तों आप समझो को प्राइम, मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब आपका को प्राइम नंबर, ठीक है? आपका को प्राइम नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है, एक नहीं होगा, दो होंगे, ठीक है? जैसे आपका, जैसे मैं बताता हूं आपको, जिन भी दो संख्याओं का एचसीएफ, मैंने एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक करवा दिया ना आपको, आप उसको जाके एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपका एचसीएफ एलसीएम एकदम स्ट्रांग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, यहां पर दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एक हो, मतलब कहने का मतलब एक तरीके से है कि दोनों में कुछ भी काटना तो आपको आता है, दोनों में अगर कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में कुछ भी अगर समान ना हो, दोनों में कुछ भी अगर कट ना रहा हो, तो वो एक दूसरे की को प्राइम है, सह अभाज्य है। भले ही उन दोनों में से कोई अभाज्य हो या ना हो, इसे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जैसे दोस्तों आपका नंबर लेता हूं मैं एक आठ, और एक नंबर लिया मैंने इक्कीस, समझो इस बात को। आठ और इक्कीस में कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो? देखो आठ तो दो दो से बना है, इक्कीस सात और तीन से बना है, सात तीन इक्कीस, तो सात तीन यहां पे क्या आया? दो। दो है, कुछ कॉमन है? नहीं। तो ये है हमारे को प्राइम, दोनों एक दूसरे के को प्राइम है। ऐसी दोस्तों चार और पांच देखो, यहां दो दो की बात करेंगे, दोनों आपस में को प्राइम है, किसी पूरे से नहीं की बात कर रहा मैं, ठीक है? तो चार और पांच, इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, इनका एचसीएफ एक आएगा, तो ये हो गए मेरे को प्राइम, चार और पांच, ठीक है? चार और मेरा पांच, कुछ है कॉमन? नहीं है ना, तो ये एक दूसरे को प्राइम है। लेकिन देखो पांच एक प्राइम अभाज्य संख्या है, चार नहीं है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में ये एक दूसरे के को प्राइम है, ठीक है? आपस में ये एक दूसरे के को प्राइम है। देखो मैं चेक कर लूं, कट तो नहीं रही है अभी भी? नहीं, अभी भी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, समझ में आ गया? आ गया आपको? तो आपको पूर्णांक जो है ना, इंटीजर कितने तरीके के हैं पूरे, ये भी समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा इसी में बताना चाहता हूं, घनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है? तीन तरह के होते हैं पूर्णांक जो होते हैं आपके, घनात्मक, पॉजिटिव, इंटीजर। इंटीजर देखो, ये तो समझ गया आपने, हमने ये क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लिया, आपको समझ में आ भी गया होगा, है ना? एक क्या होता है दोस्तों, मैंने, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, फैबुलस एडियो एसएससी चैनल पे खोला, चैनल खोला, आप उसके देखो वीडियोस ऊपर आता है ना आपका वीडियोस, फिर उसके बगल में आएगा प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट बना हुआ आएगा, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। उस प्लेलिस्ट में ना नीचे जाना, एक लिखा होगा बेसिक बिफोर कोचिंग बीबीसी सीरीज करके है, आप लोगों के लिए बनाया है मैंने, बेसिक बिफोर कोचिंग बीबीसी सीरीज है वो। बीबीसी सीरीज का मतलब दोस्तों कि बेसिक बिफोर कोचिंग, अगर आप कोचिंग कहीं करने जाने वाले हैं तो वो सब चीज़ें आपको थोड़ा पहले से पता होना चाहिए, तो उसमें मैंने आपको चीज़ें बता के रखी हुई हैं, तो डरने हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, आप उसे भी देख सकते हैं, चीज़ समझने के लिए, पूरे इंग्लिश मीडियम में नहीं है,
मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो दोनों लैंग्वेज में, है ना, ताकि आपको अच्छे से आए, हिंदी भाषी क्षेत्र भी समझे, है ना, जो हिंदी बच्चे हिंदी में पढ़े हैं वो भी समझे, जो इंग्लिश में पढ़े हैं वो भी समझे, पर समझना जरूरी है। क्योंकि देखो, जब आप चीज़ समझते हो ना और करते हो, तब जाके ही आपको वो करना आता है, नहीं तो उससे पहले भय का माहौल होगा, डर का माहौल होगा, आपकी आंखों में सवाल आने से पहले ही घबरा जाओगे, अरे यार ये होगा कैसे। तो इसी चीज़ को आपको आगे बढ़ना है तो इस डर से तो जीतना पड़ेगा, और डर से जीतना पड़ेगा तो चीज़ें समझ के करनी पड़ेंगी। आपका कोई कसूर नहीं है अगर समझ में नहीं आता, आप कोशिश तो कीजिए, टीचर हैं, हाँ भाई अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, आप कोशिश कीजिए, समझिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ये बताता हूँ आपको, तीन तरह के, मतलब इसको देख चुके, तीन तरह के और आ सकते हैं, ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक, एक मिनट रुक जाओ यार, ये बनाना नहीं आता मुझे, हाँ ऐसे बनाते हैं, आ आ आ आ आ आ ऋणात् ऋण 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 ऋणात्मक, ठीक है, फिर आपका शून्य शून्य, और फिर आपका आता है तीसरा घनात्मक, ठीक है, ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ऋणात्मक है ना, नेगेटिव, देख रहे हो, निशान बना रहा हूँ, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव, शून्य तो आपका हो गया जीरो, और घनात्मक क्या हो गया दोस्तों आपका, घनात्मक पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब क्या देखना है, कुछ नहीं, नेगेटिव संख्या है क्या दोस्तों, जिसके आगे माइनस का साइन लगे हो आपका, वो जैसे माइनस टू माइनस वन माइनस फाइव कुछ भी है आपका पूर्णांक, ऋणात्मक है। देखो ऋणात्मक दूसरे दशमलव भी होते हैं, है ना, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं पूर्णांक में हो, आप ऐसी बात फॉलो कर लो यार, पूर्णांक की बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, ऋणात्मक वो जो भी आपके उसमें हो, वो दशमलव भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी पूर्णांक हो। ऋण समझते हो दोस्तों, कर्ज, कर्ज मतलब घाट, मतलब उधार, है ना, उधार कोई चीज है तो उसे माइनस क्यों दिखाते हैं, आप समझो, किसी ने आपसे, आपके पास दो रुपए हैं, आपने किसी को दे दिए, आपके पास थे तो प्लस टू थे, वो आपके हैं, अगर वो किसी और के पास है तो उसे हम क्या दिखाएंगे, माइनस टू, मतलब भाई मेरे पास है लेकिन ये किसी और के हैं, है ना। ऐसे ही जैसे क्या है कि आप लोग, जैसे समझो आपके पास है 5,000 रुपये, आपको 7,000 देने हैं, तो क्या करोगे, तुम्हारे पास रुपए हैं क्या 7,000 देने के लिए, 5,000 है ना, तो 5,000 में से 7,000 घटाएंगे तो क्या करेंगे, 7,000 5,000 2,000 लिखो, लेकिन 2,000 माइनस लिख दो, मतलब अभी 2,000 कम हैं और देने। तो ये निशान हमने जो है ना बना के रखा ऋणात्मक, ऋण है ना, कर्ज, तो वो माइनस में है ना, इसे माइनस 2.03 भी लिखो, पता नहीं क्यों 03 बार बार आ रहा है ना, 2.41 भी लिखो, शून्य तो सब जानते हैं भाई, शून्य शून्य होता है। अब शून्य ना कि ऋणात्मक होता है ना घणात्मक होता है, ना वो पॉजिटिव इंटीजर है ना वो नेगेटिव इंटीजर है, जीरो जीरो है भाई, जीरो का कोई साइन नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं किस पे, घनात्मक में, घनात्मक क्या है, कोई भी वो नंबर संख्या जो पॉजिटिव हो आपका, जैसे 5, 4, 3 कुछ भी लिखो यार, है ना, यहाँ लिखा 2.41 है ना, हो गया, कुछ भी लिखो 2576। अब पॉजिटिव का क्या मतलब दोस्तों, पॉजिटिव घनात्मक का मतलब, इसके आगे देखो, इसके आगे माइनस तो लिखना जरूरी होता है, इसके आगे प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर नहीं लिखा आपने कुछ तो पता है वो पॉजिटिव ही है, वो आपका घनात्मक संख्या ही है। यहां तक क्लियर, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, देखो ये सिर्फ जान जाओगे तभी हम संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे, है ना, तभी हम संख्या पद्धति में आगे बढ़ेंगे, चीजों को देखेंगे। हाँ, तो समझ गए, क्लियर, अब ये क्लियर हो गया आपको, तो कुछ और बताता हूं, ये क्लियर हो गया तो आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा हम प्राइम नंबर देखना, अभाज्य संख्याएं कहां पे हैं, कितनी है, ये भी देखते हैं।
हाँ अच्छा, साथ में मैंने आपको बताया था, एक ना तो आपका प्राइम नंबर है ना कि, और ना ही आपका कंपोजिट नंबर में आता है वो, है ना। और आपका दो वो सबसे छोटी संख्या है जो कि आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, और चार वो सबसे छोटी संख्या है जो कि आपकी कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें बता दी। अब जरा हम ना याद समझ लेते हैं, प्राइम नंबर देखते हैं, 1 से 10 तक में कौन है, 1 से लेके 10 तक के प्राइम नंबर देखते हैं, 1 से 20 तक के देखते हैं, ठीक है। 1 से 20 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर होता है, तो मेरा हुआ 2, मेरा हुआ 3, मेरा हुआ 5, मेरा हुआ 7, 9 नहीं होता, 11, फिर 13, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, समझ कोई 13, 14 होगा नहीं, 14 7 से भाग लो, 15 होगा नहीं, आपने लिखे 16 होगा नहीं, 17 होगा हाँ 17 होगा, 18 होगा नहीं, 19 होगा हाँ होगा। तो कितनी संख्या हुई दोस्तों, 4 और 4 हमारी 1 से लेकर 20 तक में 8 संख्याएं हैं जो कि आपकी प्राइम, ठीक है। अब देखता हूं मैं आपका 1 से लेके 30 तक में कितनी संख्या। तो देखो यार, 20 तक तो हमने ढूंढ लिया, 30 तक ढूंढना है, तो और ये तो रहेंगी रहेंगी, और आगे चलते हैं, ये ना ये तो पूरी रहेंगी रहेंगी 8, और आगे चलते हैं 21, 21 नहीं, 22, 22 नहीं, 23 हाँ एक 23 भी होगा, 24 नहीं, 6 और 4 होता है, 25, 25 तो 5 होता है, 26 नहीं, 13, 2, 27, अरे 3 कहाँ हटाओ, 28, 4, 7 हटाओ, 29, 29 ठीक है, 29, 2 और संख्या हो गई, मतलब आपका 1 से 30 में 10 संख्याएं हैं जो कि आपकी, कुल 8 इधर थी 3 इधर थी, तो 1 से 30 में आपकी कुल 10 संख्या है जो कि आपकी अभाज्य संख्या है। तो अब आ जाओ 1 से 50 पर, चलो आप बताओ मुझे 1 से 50 तक, 29 तक पहुंच गए है ना, पहुंच गए, तो ये तो रहेगा ही, अब क्या आगे, 31 भी आएगा, 32 होगा नहीं, 33 अरे नहीं, 11 से, 34 17 से, 35 5 से, 36 6 से, 37 37 37 37 37 हाँ, 38 19 से, 39 13 से, और क्या 40 2 से, 41 41 41 किसे से नहीं जाएगा, 41 ठीक है, 42 नहीं, 43 43 है भाई, 43, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 बिल्कुल नहीं, 23, 47 47 47, 48 नहीं, 49 अरे कहाँ 7 से जाता है, 50 अरे वो भी नहीं है, 2 5 खत्म, कितने हो गए दोस्तों, 5 और हो गए, तो मेरा 1 से लेके 50 तक 10 और 5 15 होता है, 15 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं, ठीक है, 15 संख्याएं ऐसी हैं जो कि अभाज्य हैं। तो अब आपको बताना है कि अभाज्य पता लग गई, तो अब आपको समझो और बताओ क्या चीज। हाँ आप लोग मुझे बताओगे 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं, कौन कौन सी, चलो संख्याएं मैं बता देता हूं, 15 यहां हो गई ना, 1 से लेके 50 तक में आपकी 15 है, तो आपको बता देता हूं 51 से लेके 100 तक में आपकी 10 संख्याएं और होंगी, 51 से 100 में आपको बताना, 51 से 100 में 10 संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक, कमेंट में लिख के बताना, 51 से 10 में 100 संख्याएं, वो जो 10 संख्याएं वो कौन कौन सी होंगे, बाकी चीजें क्लियर करना। आप लोग को अभी थोड़ा कोशिश करो, मैं यार थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है, समझो इसको और कोशिश करो। ढूंढो यार, ऐसा करता हूँ, आज का टॉपिक काफी हो गया है, ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ, कोशिश करूंगा कि अब क्लासेस ना मतलब थोड़ा कम कम समय के लिए, ताकि आप आराम से पढ़ सकें, हम चीज़ें आपको क्लियर करते रहेंगे, बताते रहेंगे,
आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। आगे की क्लासेस में हम सवाल भी करेंगे और चीज़ों को समझेंगे भी, कौन है, कैसे है, क्या है, कब है। तो आज की दोस्तों संख्या पद्धति की, आपकी नंबर सिस्टम की पहली क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर मिलेंगे, लेकिन आप लोग, कल नहीं अब तो सोमवार को क्लास होगी, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे सवाल कीजिए, डाउट्स आए तो हमसे पूछिए, खुल के पूछिए यार, हम हैं ही आपको सवाल बताने के लिए, जवाब क्लियर करने के लिए, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। फैबुलस एडियो एसएससी टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तहान के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक फैलाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, हमें अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया।